ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा तंत्र बताऊंगा जिससे कि आप सुपर नेचुरल पास को पा सकते हैं। एक ऐसी साधना जिससे कि अलौकिक शक्तियां आपके पास आ सकती हैं। ये उन सिद्धियों को भी दे सकता है जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियों के लिए भी इस साधना को किया जाता है। दिवाली का पावन पर्व आने वाला है और इसमें जितनी सिद्धियां आप अर्जित कर सकते हैं आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मंत्र जिससे कि दरिद्रता, आपकी मनोकामना, जो भी आपके दिल में ख्वाहिश हो वो पूरी हो सकती है। आपकी दरिद्रता को ये हर लेगा मंत्र। बस आपको क्या करना है कि इस मंत्र पर विश्वास रखते हुए आपको इसका जाप शुरू कर देना है। दिवाली की रात्रि में जितना अधिक हो सके आप इसका जाप कीजिए तो आपके भंडार भर देगा ये। इस मंत्र को सिर्फ वही लोग प्रयोग कर सकते हैं जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, जो सन्यासी हैं, जो तांत्रिक हैं या जो इस मार्ग में चले हुए हैं। गृहस्थ में जो हैं वो इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये मंत्र है माँ धूमावती का और माँ को एकांत पसंद है। जैसे शमशान हो गया, कोई उजड़ा हुआ कोई स्थान हो गया, कोई खंडर हो गया, तो मातेश्वरी को कभी भी ये सांसारिक जो मोह माया है इसमें पड़े हुए लोग कभी पसंद नहीं आते। तो जो साधक हैं, जो संन्यास में हैं, जो तंत्र की साधनाएं करते हैं और उनका इस धरा से कोई लेना देना नहीं है, वो इसकी साधना कर सकते हैं। और ये जो है ये ऐसी साधना है जो कि आपको अलौकिक सिद्धियां प्रदान कर सकती है जिनका वर्णन करना भी मुश्किल है। जो आप सोचें वो संभव हो, जो आप बोले वो संभव हो, ऐसी ऐसी सिद्धियां आपको माँ धूमावती दे सकती हैं। लेकिन ये आपको तब करना है जब आप अकेले हों, जब आप बैचलर हों, जब आपकी शादी ना हुई हो। शादी के बाद ये सब करना वर्जित है। तो अगर आप अकेले हैं, साधक हैं, तांत्रिक हैं, तंत्र की साधना करते हैं और आपका मार्ग दूसरा है, गृहस्थ में आपका कोई खास रुचि नहीं है, आपको साधनाएं करनी है, तो ये मंत्र आपके लिए है। मातेश्वरी आपको ऐसी ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो कि सपने में भी सोचना किसी के बस की बात नहीं। ये शक्तियां 24 घंटे आपके साथ चलेंगी। दुनिया की नज़र में आप अकेले होंगे लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी शक्तियां चल रही होंगी जो कि पग पग पर आपका ध्यान रखेंगी। माँ धूमावती जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाती हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। ऐसी ऐसी सिद्धियां देती हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां देती हैं जो कि मैं आपको वर्णन भी नहीं कर सकता उनका। तो आइए माँ भगवती का वो मंत्र जानते हैं जिसके पीछे ये पूरा संसार पड़ा है। लेकिन सिद्ध कुछ ही कर पाएंगे जो कि स्वच्छ हृदय से माँ भगवती की साधना में लग जाएंगे, एकांत में अपना जीवन व्यापन करेंगे और जब समय आएगा तब जाकर अपनी शादी करेंगे। और एक बात इसमें यह भी आती है कि जो भी ये साधना करते हैं अगर भविष्य में उनका मन बना कि शादी करनी है तो उनकी शादी में अड़चनें आती हैं। तो माँ धूमावती को तभी आप प्रसन्न करें जब आप एकांत में रहना सीख गए हों, एकांतवासी हो तो इस मंत्र का प्रयोग करना, अन्यथा शादी में, रिश्तों में बहुत अड़चनें आती हैं। इसलिए मैं जोर देकर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सन्यासी हैं, साधु हैं, तंत्र मार्ग में आप अग्रसर होना चाहते हैं तभी इन क्रियाओं को कीजिएगा। भूल में भी सिर्फ इसका टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग ना करें क्योंकि ये शक्तियाँ जीवित हैं और ये किसी का भला भी कर सकती हैं और किसी का जीवन बर्बाद भी।
तो आइए मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र है ओम धूम धूम धूमावत्ते फट, धूम धूम धूमावती ठम ठम। इस मंत्र का आपको दिवाली की रात्रि में यथासंभव 1008 बार जाप करना है। इस मंत्र से माँ धूमावती बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आप पर प्रसन्न हो जाएंगी, और जो भी आपकी अभिलाषा होगी, जो भी आप चाहते हैं कि आपको सिद्धियां मिले, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार की सिद्धि हो, चाहे वो कर्ण पिचाशनी हो या किसी भी तरह की अप्सरा साधना हो, वो भी माँ भगवती आपको दे सकती हैं। तो बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत से ऐसे साधक आते हैं जो कहते हैं कि गुरु जी कोई ऐसी साधना बताइए जिससे कि सारी सिद्धियाँ मिल जाएं मुझे, मैं हवा में उड़ सकूं, दीवार के पार जा सकूं, पानी में सांस रोक सकूं, आसमान में उड़ सकूं, जानवरों से बातें कर सकूं। तो ये तो बहुत छोटी छोटी सिद्धियां हैं जो कि माँ धूमावती आपको दे सकती हैं। इससे भी अनंत, मतलब आपका दिमाग वहां तक जा नहीं सकता, ऐसे ऐसी सिद्धियां माँ भगवती के पास संभाल कर रखी हुई हैं। बस जो चेष्टा करेगा, जो वहाँ जाने की इच्छा करेगा, पूर्ण मन बना लेगा कि मुझे सिद्धियाँ चाहिए, तो माँ धूमावती सब कुछ दे सकती है। आपको दिवाली की रात्रि में क्या करना है कि माता को जो है सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद हैं, जो भी चीज़ सफ़ेद हो वो मातेश्वरी को चढ़ाएं, जैसे कि सफ़ेद आँख का जो फूल होता है वो चढ़ाएं, सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं, और सफ़ेद वस्त्र मातेश्वरी को दें, केसर दें, अक्षत दें सफ़ेद रंग के, घी चढ़ाएं, सफ़ेद तिल चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, आँख जो सुपारी दुर्वा गंगा जल शहद ये सब चढ़ाएं, कपूर चंदन नारियल पंचमेव आदि ही प्रयोग में लाएं, इन सब से माँ भगवती को भोग दें, और अपने पास कुछ मिठाई रखें सफ़ेद रंग में, कुछ रसगुल्ले रखें, और माँ भगवती से प्रार्थना करके आग्रह करें कि मातेश्वरी आज मैं ये साधनाएं कर रहा हूँ, मुझे इसमें सिद्धि प्रदान करें, और इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। तो माँ धूमावती आपसे अति शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी सारी अभिलाषाएं पूरी कर देंगी। जब तंत्र साधना कर रहे हो तो उसमें सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है विश्वास का। यदि आपका विश्वास जो है वो अडिग है और फिर आप कोई साधना शुरू करते हैं तो आपकी साधना जो है वो आधी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। आपने जो आपकी साधना है उसका पहला चरण कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको सिर्फ अपना ध्यान अपनी भ्रिकुटी में लगाकर बस इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देना है। आसपास क्या हो रहा है इसका भी ध्यान आपको स्मरण ना रहे, और बस इस मंत्र का जाप करते जाएं। माँ धूमावती अत्यधिक प्रसन्न होकर आपसे आपको ये सारी सिद्धियाँ देंगे। लेकिन किसी सिद्धि के लिए मातेश्वरी की साधना करें तो थोड़ा वैसे ही लालच समन में आ जाता है, तो ऐसा ना करें, बस मातेश्वरी को प्रसन्न करें। और अगर मातेश्वरी प्रसन्न हो गई तो वो आपको ये सारे फल यूं ही दे देंगी, आपको सिद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार उनके दर्शन हो जाएं और उसके बाद देखिए किस तरह से आपके जो काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे, जो सिद्धियां आप चाहते हैं वो तो स्वतः ही आपको मिल जाएंगी। सबसे पहला चरण होता है कि आप विश्वास करें और किसी चाह में ना करें कि मुझे ये चाहिए, बस मातेश्वरी की साधना करते जाएं। और दिवाली के दिन इसको प्रारंभ करें और इसको लगातार करते रहें। त्रिकाल संध्या अगर ये मंत्र 108 की संख्या में जाप किया जाए तो अत्यधिक फल प्रदान करता है। और इसको कभी भी घर में ना करें, किसी एकांत में जाके करें, किसी ऐसे उजाड़ में करें जहाँ पर कि कोई आता जाता ना हो। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि इस मंत्र का जाप शमशान में करना होता है, लेकिन शमशान में जाना हर किसी के लिए
सहज नहीं होता। तो आप अपनी छत पे जा सकते हैं, कोई ऐसा कोई जंगल हो, कोई गुफा हो, कोई नदी किनारा हो, वहाँ पर कर सकते हैं। और जब सिद्धियाँ मिल जाएं तो मातेश्वरी का धन्यवाद करें। और जैसे जैसे आप साधना की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो जो आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो मुझे बताएं, तो मेरी आने वाली पुस्तक में मैं इसका वर्णन करूँगा। धन्यवाद। किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा 9982416125 पर।